अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम तमाम किसान भाई खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों के लिए जो पनीरी होती है धान की, इसके बारे में वीडियो लेके आए हैं। क्योंकि इस वक्त जो धान की पनीरी है वो तो आप लोगों ने लगाई हुई थी, और अब उसकी अगर ग्रोथ नहीं हो रही, आप लोगों ने धान की फसल जल्दी लगानी है क्योंकि टाइम आ चुका है। इस टाइम पर आपने धान की फसल जो है वो आप लोगों ने लगानी है, लेकिन जो पनीरी है वो पूरा टाइम पर तैयार नहीं हो रही, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो आज इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो हमारे चैनल नदीम एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब करें, और जो घंटी का बटन है आप लोग उसे भी दबा दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जी हाँ, अगर आपने पनीरी लगाई है, किसी भी धान की वैरायटी की लगाई है, छोटे सूपरे की लगाई है, बड़े सूपरे की लगाई है, जिस तरह की भी अगर आप लोगों ने लगाई है, और अब आप लोग धान जो है वो जल्दी लगाना चाहते हैं, और जो पनीरी है उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही पूरे तरीके से, जो मेंटेनिंग है वो पूरी आप लोगों को नहीं मिल रही, तो आप उसको जो पनीरी है, जो धान की पनीरी है, आप लोग उसको जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोग उसके लिए खाद का इस्तेमाल करें। तो जो सोना यूरिया की खाद होती है ये बेहतरीन खाद है, चाहे वो एंग्रो यूरिया हो या सोना यूरिया हो। आप लोग इसको पानी के साथ लगाएं, पानी लगाने के बाद फिर आप लोग उसमें जो खाद है वो आप लोग डाल दें। तो ये तो आप लोगों ने जितनी फसल लगाई है, जितनी आप लोगों ने पनीरी लगाई है, उसके हिसाब से ही आप लोगों ने जो खाद है वो आप लोगों ने डालनी है। अगर इसके अलावा अगर कोई और मर्ज़ है, जो कोई भी मर्ज़ है, वो आप किसी महकमे ज़रात के नुमाइंदे से उसके बारे में बात करके आप लोग उसकी जो स्प्रे वगैरह हो या और कोई दवाई हो वो लोग आप लोग लें। और अगर बिल्कुल कोई मर्ज़ वगैरह नहीं है, जो पनीरी है, जो धान की रोत है जिसे हम पंजाबी में रोत कहते हैं, तो वो पीले रंग की नहीं हुई, मतलब कि जिसे खट्टी खट्टी कहते हैं, अगर वो खट्टी नहीं हुई, बिल्कुल काली शाह है, और उसकी जो ग्रोथ है वो जल्दी नहीं हो रही, तो आप पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद फिर आप मिकदार देकर, जितनी आप लोगों ने पनीरी लगाई है उसको देकर आप लोग उसमें यूरिया की खाद डालें, और खाद डालने के बाद फिर आप लोग उसकी जो ग्रोथ है वो आप चेक करें, ग्रोथ उसकी कैसे बढ़ती है। तो ये आप हर पानी के बाद आप लगाते रहें, यूरिया आप डालते रहें, थोड़ी थोड़ी करके यूरिया डालते रहें, ताकि जो आप लोगों का, जो आप लोगों ने उसे फ़ायदा हासिल करना था, पनीरी को जल्दी आप लोगों ने बड़ा करना था, वो आप लोग उसे बड़ा करें। तो ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को, काफ़ी किसान भाई इस वक्त परेशान हो जाते हैं कि यार जल्दी पनीरी की ग्रोथ नहीं हो रही, और किसी और तरीके से कोई और खाद वगैरह या ऐसे ही स्प्रे जाके ले लेते हैं, कहते हैं कि यू ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे जो फसल की ग्रोथ है वो जल्दी होने लग जाए, जो पनीरी की ग्रोथ है वो जल्दी। लेकिन ये बिल्कुल बहुत आसान है, अगर ग्रोथ रुक चुकी है तो आप लोग उसमें यूरिया की खाद डालें, या जो भी आप लोगों के पास खाद पड़ी है, सोना यूरिया किया, सरसब्ज किया जैसे, क्योंकि हम लोग से नाइट्रोजन हासिल करके पनीरी को जल्दी बड़ा करना है, तो ये जल्दी बड़ा, पनीरी को जल्दी बड़ा करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और जो घंटी का बटन आप उसे भी ज़रूर दबाया करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुँचे। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।